अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीसी वोल्ट मीटर आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा गैजेट है, तो दोस्तों इसे आप खुद घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो, तो सबसे पहले हमें कुछ पीवीसी पाइप के पीसेस चाहिए होंगे। तो दोस्तों, ये मैंने पीवीसी पाइप को स्ट्रेट करके तो इसे एक प्लेन शेप दिया, तो उसकी मदद से मैंने ये पीस तैयार किए हैं। तो दोस्तों, आप इसकी जगह लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं और किसी और कार्डबोर्ड का भी पीस के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें डीसी वोल्ट मीटर चाहिए होगा। तो दोस्तों, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये डीसी वोल्ट मीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 0 से लेके 30 वोल्ट तक शो करता है रीडिंग। उसके बाद हमें डीसी वोल्ट मीटर की दो नॉब चाहिए होंगी। उसके बाद हमें ये दो लोहे के रॉड टाइप चाहिए होंगे, ये देख सकते हैं आप। आखिर में हमें कुछ वायर चाहिए होंगी कनेक्शंस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पीवीसी के पीसेस को आपस में जोड़ लेते हैं ताकि हम एक बॉक्स तैयार कर सकें।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम जो डीसी मल्टीमीटर बना रहे थे तो वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो चलिए इसे सबसे पहले हम चार्जर के थ्रू चेक करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके मेरे पास ये HP का लैपटॉप का चार्जर है, इसके आउटपुट वोल्ट है 19000 या 5 वोल्ट। तो अब हम इसे, ये इसकी दोनों वायर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करके देखते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि 19.1 वोल्ट शो हो रहे हैं, तो मतलब के जो मल्टीमीटर है यानी कि DC वोल्ट मीटर है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हम इसको बैटरी के ऊपर टेस्ट करेंगे कि आया ये बैटरी के ऊपर भी टेस्ट कर अच्छा वर्क करता है या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने 12 वोल्ट की बैटरी बनाई हुई है, तो ये इसकी पॉजिटिव लैग है और ये इसकी नेगेटिव। तो ये जो बैटरी है वो 10.6 वोल्ट दे रही है, तो इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।